नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। ममता बनर्जी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में रहने का ममता बनर्जी का कारण भी है। कभी उनके मंत्री पार्थ चटर्जी जो है करोड़ का धन कुबेर के साथ पकड़ा जाते हैं, तो कभी उनके ही नेता उन पर सवाल खड़े करने लगते हैं, कभी उनके नेता उनका साथ छोड़ करके चले जाते हैं, कभी किसी मंत्री पर चोट, कभी किसी विधायक पर चोट, कभी कोई विधायक ममता बनर्जी को अल्लाह बता देता है, अल्लाह से कंपैरिजन कर देता है, तो लगातार ममता बनर्जी जो है चर्चे में बनी रहती हैं। एनडीए की उम्मीदवार का राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करने से लेकर उपराष्ट्रपति चुनाव में चुनाव से पीछे हटने तक लेकर ममता बनर्जी जो है काफी ज्यादा चर्चा में बनी रही। लेकिन अब टीएमसी के एक और नेता है, टीएमसी के एक और जो है सांसद है, उनकी वजह से ममता बनर्जी जो है काफी ज्यादा चर्चे में आ गई है। जी हाँ, ममता बनर्जी एक बार फिर जो है पूरे भारत में चर्चे में आ गई है। उसका बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के जो सांसद है सौगात रॉय, उन्होंने जो है एक बड़ा बयान दे दिया। जी हाँ, एक बड़ा बयान दे दिया है और उनके बयान से जो है अब बवाल मच सकता। उनके बयान ने सिर्फ विपक्ष पर ही निशाना नहीं साधा है और उनके बयान ने भाजपा पर ही निशाना नहीं साधा है, उनके बयान ने तमाम पार्टियां जो देश में मजबूत पार्टी के रूप में जानी जाती है उन पर अब निशाना साध दिया। जी हाँ, जो सौगात रॉय है, टीएमसी के नेता सौगात रॉय है, ममता बनर्जी है, वो फिर से कांग्रेस के खिलाफ जो अपने बगावती तेवर है और तमाम पार्टियों के साथ जो उनके बगावती तेवर है उसको लेकर के वापस आ गई है। सौगात रॉय ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई, जी हाँ, तीनों पार्टी का नाम लेते हुए कहा कि इन्हें जूतों से मारना चाहिए। देखिए किस तरीके का बयान दे रहे हैं ममता के सांसद, किस तरीके का बयान दे रहे हैं कि उन्हें जूतों से मारना चाहिए। आखिर क्या हो गया है नेताओं को? आखिर नेता अपनी हद क्यों पार कर रहे हैं? आखिर क्यों इस तरीके के अपशब्दों का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, एक राजनेता पर ही कर रहे हैं? चलिए यहां पर देखिए कि किस तरीके से ममता के सांसद ने तीन पार्टियों पर जो मुख्य पार्टी मानी जाती है सीपीआई, कांग्रेस और भाजपा, तीनों के बारे में कह दिया ममता के सांसद ने कि जूते से मारना चाहिए। सोचिए कि इन नेताओं की सोच क्या है। आपको याद है विधानसभा चुनाव के बाद किस तरह भाजपा के जो नेताओं का जो है बंगाल में नरसंहार हुआ था, तो ये ममता बनर्जी की सोच को दर्शाता है और ममता बनर्जी के नेताओं के जो है सोच को दर्शाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन।